हैं श्री साबराम श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चार के गणित विषय की प्रश्नावली एक का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर जो है वो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास है, जैसे 889, 880 डॉट डॉट 883। तो इसके अंदर विद्यार्थियों अपने को जो ये खाली स्थान है, छूटे हुए अक्षर जो है, छूटे हुई जो जगह है वो अपने को भरनी है। तो 880 के बाद में अपने पास क्या आएगा, 880 के बाद में अपने पास आएगा 881, इसके बाद 882। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दो है वो है 556 डॉट डॉट 558 डॉट डॉट 561। तो प्रिय विद्यार्थियों, 556 के बाद में अपने पास आता है 557। तो पहले खाली स्थान में आएगा 557, 57 के बाद में 558 दी हुई संख्या है, इसके बाद में अपने पास आएगा 559, और 559 के बाद में अपने पास आएगा 560। तो इसके अंदर पहले के अंदर दो क्वेश्चन मैं जो है वो छोड़ता हूँ, जो विद्यार्थियों आपको स्वयं को हल करना है। इसी कड़ी में प्रश्न नंबर दो आता है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 748, इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने के लिए इसको अपने लिखेंगे इस प्रकार से, बोलेंगे काई धाई सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, अर्थात ये हो गया 748। इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन है अपने पास 998, तो इसको शब्दों में लिखोगे, पढ़ो पहले इसको इस प्रकार से, इकाई धाई सैकड़ा, अर्थात सैकड़ा जो है वो 9 पे आ रहा है, तो ये हो गया 998। आगे के दो क्वेश्चन आप स्वयं करोगे।
फिर आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 678, 678। तो इसको अपने लिखेंगे अंकों में। तो अंकों में इसको लिखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप सबसे पहले 600 लिख लीजिए। 600 प्लस 78, 78। 600 कितना हो गया? 78। अब इन दोनों का प्लस कर दीजिए तो अपने पास आएगा 678। अर्थात 678 को अंकों में इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास 810, 810। तो इसको अलग से लिख लोगे 800 को, जैसे 800 प्लस 10, तो इनका प्लस करेंगे अपने, जोड़ करेंगे तो अपने पास आएगा 810। तो दी गई संख्याओं को अंकों में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे है अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने खालिस जगह की पूर्ति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4, खाली जगह भरिए। खाली जगह भरिए, खाली जगह भरिए। पहला क्वेश्चन है इसका, एक हजार सात सौ उन्नीस, इसके अंदर अपने पास दो खाली स्थान जो है वो दिए हुए हैं। इन खाली स्थानों को भरने के लिए पहले का खाली स्थान के अंदर अपने ऐसी संख्या लेंगे जिसको लिखते टाइम जो है वो जीरो आना चाहिए। जैसे ये आ गया अपने पास इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ अपने लिखेंगे 1000। प्लस में अपने पास आएगा 719। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा है डॉट डॉट बराबर 1000 प्लस 418। 1418 लिखेंगे इसको। कैसे? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है तो अपने इसको क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। जोड़ किस प्रकार से? इस प्रकार से जोड़ कर देंगे, हजार फिर 418 प्लस 8141, अर्थात 1418, 1418। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, 1105, 1105
हजार एक सौ पांच, 1105 बराबर डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट 1105। तो अपने यहां लिखेंगे 1000, फिर लिखेंगे प्लस में 1105, ये हो गया आपका 105। तो ये खाली स्थानों की पूर्ति हो गई है। फिर इसी का है क्वेश्चन नंबर 4, जैसे डॉट डॉट 1000 प्लस 999, तो इस खाली स्थान में अपने क्या करेंगे, इनका टोटल करके लिखेंगे। टोटल ऐसे करोगे आप, जैसे 1999 इसका टोटल करेंगे तो अपने पास आएगा 9, 9 और 9 और 1, अर्थात अपने पास हो गया 1999। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक अपने यहीं ख़त्म करते हैं। आगे क्या कार्य कल करेंगे।